ये जो टोल प्लाजा है ये राजस्थान के बिशनपुर एरिया में पड़ता है। इसको तो ऊपर करवाओ। हेलो गाइस, सो दिस इज गोइंग टू बी माय सेकंड वीडियो ऑन हाउ टू पास द टोल प्लाजा विदाउट पेइंग टोल। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उस पर कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि दिस इज रबिश, ऐसा कोई रूल नहीं है, ये जो वीडियो है एकदम मिस गाइडेंस है। सो जो भी पूरा इंसिडेंट हुआ आज मेरे साथ दूसरी बार, तो वो दिखाने से पहले इतना बोलना चाहता हूँ कि मैं उन लोगों को जज नहीं कर रहा जिन लोगों ने ऐसा कमेंट किया था कि ये जो वीडियो है, जो मेरा फर्स्ट वीडियो था, वो एकदम मिस गाइडेंस है। मैं बस उनको इतना बताना चाहता हूँ, ये फैक्ट है जो मैंने आपको बताया है। इफ़ यू डोंट बिलीव मी, यू कैन शेयर योर ईमेल एड्रेस। आप अपना ईमेल एड्रेस दो, मैं आपको जो NHAI ने प्रेस रिलीज निकाला है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। और मैंने इसके ऊपर एक RTI भी डाला है अभी लास्ट वीक। तो जैसे ही उस RTI का रिस्पॉन्स मिलता है, वो RTI मेरा क्लोज होता है, तो उसका भी मैं जो फीडबैक है आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो माई नेम इज़ अमित एंड यू आर वॉचिंग आई एम चौहान। ऐसे वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हो राजस्थान में मैं जयपुर से अभी दिल्ली जा रहा हूँ और ये सेकंड टोल प्लाजा पड़ा है और यहाँ पे देखो आप क्या हालत है। सरदार जी दिख रहे हैं आपको, वो शायद से बात कर रहे हैं कि इसको खोलो। वो सरदार जी बताओ सर, यहाँ पे सुपरवाइजर आप ही क्या टोल प्लाजा पे? तो यहाँ पे ये NHAI के अंडर आता है टोल प्लाजा। यहाँ पे 10 सेकंड और 100 मीटर वाला रूल नहीं है जो 26 मई को लास्ट ईयर 2019 में ये NHAI ने इशू किया है कि आपके अगर टोल प्लाजा पे या स्कैनर पे गाड़ी आती है 10 सेकंड से ज़्यादा लगती है, उस गाड़ी को फ्री पास मिलेगा और आपको एक 100 मीटर की लाइन बनानी है टोल बूथ से पीछे। उससे पीछे जितनी भी गाड़ियाँ लगती हैं अगर वो 100 मीटर वाला तो होगा, वो भी नहीं है। कहाँ पे? अरे तो सुपरवाइजर तो आप ही हो यार। सुपरवाइजर भाई इधर अपनी लाइन दे दो। तो आप एक बार उनको बुला दो उनको एक बार। अरे जा रहे हो सर भाई बोल लेना। तो मेरा तो वो कट जाएगा ना टोल, यहाँ पे आएगा टोल कट जाएगा इससे, या तो मेरे को फ्री पास दो आप। सर ऑटोमेटिक भाई बात तो ऑटोमेटिक कैसी है, बात तो सुनो इधर। आप लोगों को शायद से रूरल एरियाज में पता नहीं है, NHAI ने गाइडलाइन निकाली, मैं आपको दिखा देता हूँ PDF प्रेस रिलीज निकाला है। 100 मीटर और ये 10 सेकंड का जो रूल है, पता है आपको सिस्टम लग रहा है? देखो नहीं सिस्टम तो लगे हैं, देखो आप देखो पीछे देखो, इसलिए लग रहा सर। अरे तो ये लगाई इसलिए ताकि ये लाइन ना हो, तभी नया सिस्टम लगा रहे हैं। सर आपके टोल प्लाजा में मैं दिल्ली से आया हूँ कल और यहाँ से वापस जा रहा हूँ, सिर्फ आपका टोल प्लाजा है। बता रहा हूँ आपको नया सिस्टम लग रहा है सर, तभी बता रहा हूँ आपको। देखो स्कैनर लग रहा तो वही है सर, स्कैनर भी नए लग रहे हैं सर। अभी इसको ऊपर कर देना। जो टोल प्लाजा है ये राजस्थान के बिशनपुर एरिया में पड़ता है। तो वीडियो आपने देख लिया पूरा, अब आप एक चीज सोचिए, अगर ऐसा कोई रूल है ही नहीं तो मैं दो बार फ्री में कैसे निकला। जो टोल प्लाजा वाले होते हैं आपने देखा होगा वो लड़ जाते हैं, अगर उनकी गलती है ना तो भी आप पे चढ़ बैठते हैं। नॉलेज की बात होती है, सिर्फ अवेयरनेस की बात होती है।
अगर आपको अवेयरनेस है, आपको नॉलेज है, तो आप उस चीज़ पर लड़ सकते हो। हाँ, वो चीज़ सही होनी चाहिए, पहले आप फैक्ट्स को जानिए, रिसर्च करिए। जब आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ ऐसा रूल है, या आपने जो भी रिसर्च किया है वो एकदम फैक्ट है, तब आप उस पर लड़ सकते हो। सो दिस वॉज ऑल, होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो आपको लगता है कि अच्छा है, नॉलेजफुल है, और इसको वायरल करना चाहिए, तो आप प्लीज़ वीडियो को वायरल करिए, शेयर करिए, ताकि लोग इस चीज़ के बारे में अवेयर हों। सून वी विल बी मीटिंग इन अनदर वीडियो। टिल देन, बाय बाय।